ये है बीपी मूव टीवी। नेटफ्लिक्स दिल्ली क्राइम सीजन 2 की राजेश मापुसकर और तनुज चोपड़ा ने थामे डायरेक्शन की कमान। आज की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर, नेटफ्लिक्स इंडिया की मोस्ट एंटिसिपेटेड सीरीज दिल्ली क्राइम अपने दूसरे सीजन के साथ लौटने के लिए तैयार है। अपने पहले सीजन में 2012 में हुए निर्भया बलात्कार की इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा सीरीज इस बार एक अलग हाई प्रोफाइल दिल्ली आधारित केस को फॉलो करेगी, जबकि मुख्य कलाकारों में शेफाली शाह, रसिका दुग्गल, आदिल हुसैन, राजेश तैलंग शामिल होंगे जो पहले भाग में भी मौजूद थे। ऐसे में पीपिंग मून को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पहले सीजन को डायरेक्ट करने वाले ऋचि मेहता इस बार दूसरे सीजन का हिस्सा नहीं होंगे। इंडो कैनेडियन फिल्म मेकर मेहता को दूसरे सीजन में सिर्फ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर ही जोड़ा जाएगा, हालांकि डायरेक्शन की कमान किसी और के हाथ में होगी। प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के करीबी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वेंटिलेटर फेम नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर राजेश मापुसकर को इसके डायरेक्शन के लिए चुना गया है। मुन्ना भाई सीरीज और थ्री इडियट्स में राजकुमार हिरानी को असिस्ट करने वाले डायरेक्टर ने फरारी की सवारी से अपना डायरेक्शनल डेब्यू किया था। बता दें कि दिल्ली क्राइम 2012 के बलात्कार मामले की संवेदनशील कहानी को अच्छी तरह से दिखाने के लिए खूब सराहा गया था। हालांकि दूसरे सीजन किस कहानी पर आधारित होगी ये तो साफ तौर पर पता नहीं चल पाया है, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ये 2006 के नोएडा सीरियल किलिंग, जिसे निठारी कांड से भी जाना जाता है, इस पर आधारित हो सकती है। बता दें कि निठारी हत्याकांड में उस दौरान पुलिस द्वारा जांच किए जाने पर कुल 17 लोगों की हत्या की जाने की पुष्टि हुई थी, जिसमें 11 लड़कियां भी थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीरीज के दूसरे सीजन की शूटिंग जनवरी में शुरू हुई थी, जिसका केवल आखिरी शेड्यूल बाकी होने की बात कही जा रही है, जिसे लॉकडाउन खत्म होने के बाद पूरा किया जाएगा। बता दें कि नेटफ्लिक्स द्वारा अगले साल की शुरुआत में ही इस नए सीजन को रिलीज करने की उम्मीद की जा रही है। ऐसे में दिल्ली क्राइम सीजन 2 का बेसब्री से इंतजार रहेगा। वेल, ऐसी ही लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव खबरों के लिए लॉगिन करें peepingmoon.com।